नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको सबसे आसान तरीके से डब्ल्यू लेटर की हेल्प से बटरफ्लाई का चित्र बनाना सिखाएंगे। इससे आसान आपने अभी तक यूट्यूब में कहीं भी नहीं देखा होगा, ये हमारी 100% गारंटी है। दोस्तों, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको बटरफ्लाई का चित्र बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ पर हमें डब्ल्यू लेटर लिखना होगा। देखिए कैसे लिखना है, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। एक इधर ऐसे करेंगे, इसको ऊपर की तरफ बढ़ाइएगा, फिर यहाँ से दोस्तों आप ऐसे ले जाएंगे, फिर ये वाला सिरा ऐसे बाहर के साइड में कर दीजिएगा। सेम आप इधर भी हल्का सा और ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। इस तरह आपको डब्ल्यू लेटर लिखना होगा। डब्ल्यू लेटर लिखने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा और आप इस ड्राइंग को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको भी बहुत ही आसानी से बटरफ्लाई का चित्र बनाना आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। थोड़ा सा हमें और नीचे की तरफ ऐसे बढ़ाना होगा, फिर इसको ऐसे एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ। दोस्तों, यहाँ से ऐसे बढ़ाइएगा, इसको भी आप ऐसे मिला देंगे। इस तरह आपको मिलाना होगा। यहाँ से भी एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिएगा। अब ध्यान से देखेंगे, ये वाला सिरा थोड़ा सा इधर ले जाएंगे, फिर आपको यहाँ से दोस्तों ऐसे बढ़ाते हुए एक बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ करना होगा। बीच में ले जाइएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आप चाहे तो ऐसे पूरा सर्कल शेप में भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ले जाइए, इधर ऐसे कर दीजिएगा, या आप चाहें तो ऐसे या डिज़ाइन भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर इस तरह बना रहे हैं दोस्तों। फिर देखिएगा, आप कमेंट करिएगा, हम वो वाला भी डिज़ाइन आपको बनाना सिखा देंगे। इधर से ले जाएंगे, यहाँ से इधर दी गई, इसको मिला लीजिएगा, बीचों बीच जाना चाहिए, यहाँ पर हो गया। अब ऊपर के साइड से दोस्तों, यहाँ से आपको ऐसे नीचे की तरफ बढ़ाना होगा। ये वाला पोर्शन लीजिएगा और यहाँ पर ऐसे टच कर दीजिएगा। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इधर से नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, फिर आपको यहाँ से ऐसे बढ़ाना होगा और इसको ऐसे मिलाना होगा। मिलाने के बाद जस्ट इधर से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है और छोटा सा पॉइंट लगाना है। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे। देखिए कितनी आसानी से बटरफ्लाई का चित्र बनके तैयार हो गया है। आपको एक यहाँ पर ऐसे ओवल शेप बनाना है, एक इधर भी बना दीजिएगा, एक हम यहाँ पर भी बना देंगे। चारों पंखुड़ियों में आपको बनाना होगा। फिर आपको चाहे तो अंदर के साइड से डबल कर दीजिए, चाहे तो आप बाहर के साइड से डबल कर दीजिएगा। यहाँ पर भी डबल करिए, ये हो गया हमारा डबल। डबल हो जाने के बाद आपको लास्ट वाला सिरा भी डबल करना होगा। दोस्तों, अभी हम आपको कलर भी करना सिखाएंगे। ये हो गया, इधर से बढ़ाइए और इसको नीचे की तरफ यहाँ तक ऐसे डबल करिएगा। सेम प्रोसेस आपको इधर भी रिपीट करना होगा। और जब इसको हम ब्लैक कलर से कलर करेंगे, इसमें हमें वाइटनर की हेल्प से छोटे छोटे डॉट्स लगाने होंगे। अगर आपके पास वाटर कलर है, वाइट कलर, तो आप उसकी भी हेल्प से छोटे छोटे डॉट्स लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कलर करना शुरू करते हैं।